हेलो दोस्तों, आज हम एक ऐसे नए टोकन के बारे में बात करने वाले हैं जो कि नेक्स्ट शिबा इनू हो सकता है। जब मैंने इस पे रिसर्च की तो मुझे इसमें काफी मैसिव रिटर्न दिखाई दे रहे हैं, इसलिए मैं इस वीडियो को आपके साथ शेयर कर रहा हूँ और वीडियो काफी इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। लास्ट तक वीडियो में बने रहेगा। जैसा कि आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, मैंने इसका रोड मैप ओपन किया हुआ है इसकी वेबसाइट का, जो कि काफी इंटरेस्टिंग है दोस्तों। और इस रोड मैप को देखने के बाद में आपको भी फील होगा कि ये काफी इनिशियल स्टेज में है, काफी ज्यादा जीरोज है इसकी प्राइस में, तो इसमें काफी रिटर्न भी है दोस्तों। तो जैसा कि आप में जो हाईलाइटेड चीज़ है इसके रोड मैप पे वो है कॉइन गेको और सीएमसी लिस्टिंग के बारे में, जिस पर इन्होंने राइट का टिक नहीं किया हुआ है। लेकिन मैं आपको बता दूं, ये कॉइन मार्केट कैप पे फिलहाल ही रिसेंटली लिस्टेड हो चुका है, जो पिछले वीक ही हुआ था। और अभी तक दोस्तों ये सिर्फ और सिर्फ एक ही एक्सचेंज पर अवेलेबल है, वो है ला टोकन, LA टोकन भी बोलते हैं उसको, तो वहीं पर अवेलेबल है। इसके होल्डर्स की जो काउंटिंग है वो 2500 के आसपास है, ज़्यादा अभी होल्डर इसमें है नहीं। इसके टेलीग्राम ग्रुप पर जब मैंने इनके एडमिन से इनके डेवलपर से बात की तो वो बता रहे हैं कि उन्होंने 6 से 7 नए एक्सचेंज पर भी अप्लाई किया हुआ है, वहाँ पर ये जल्द से जल्द लिस्ट हो सकता है दोस्तों। तो आप इसके बारे में अपने खुद से भी इस पर रिसर्च कीजिए, मैं वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, अच्छे से इसके बारे में देखिए और अपने मिनिमम अमाउंट के साथ आप इसमें एंट्री ले सकते हैं। जो दूसरा इसका इंटरेस्टिंग फैक्ट है मैं आपको दिखा देता हूँ दोस्तों, जो कि इसके ट्विटर से है। जैसा कि 10 घंटे पहले उन्होंने ट्वीट किया है कि इसकी जो मैक्सिमम सप्लाई है दोस्तों वो है 100 क्वाड्रिलियन, और इन्होंने दोस्तों काफ़ी ज़्यादा बर्न किया है, वो भी मैनुअली, यानी कि 60 ट्रिलियन से ज़्यादा इन्होंने क्वाड्रिलियन से ज़्यादा इन्होंने ऑलरेडी बर्न कर दिया है। जो अभी इनकी टोटल सप्लाई है वो 39 क्वाड्रिलियन है, जिसमें से 37.87 इन्होंने सर्कुलेटिंग में रखा हुआ है, बाकी को इन्होंने अपने खुद के अकाउंट में रखा हुआ है, जो कि इन्होंने रिसेंटली पिछले वीक में बायबैक किया था दोस्तों। जैसा कि आप नीचे देख रहे होंगे, 170 ट्रिलियन केड इनू टोकन बर्न लास्ट वीक, इन्होंने जो पिछले हफ्ते में इन्होंने 170 ट्रिलियन टोकन को ऑलरेडी बर्न किया है दोस्तों। और इनकी इनका मैंने जब से इसमें एंट्री लिया हुआ है, मैंने इसको समथिंग पिछले 15 दिनों से होल्ड किया हुआ है दोस्तों, और इसमें बार बार मुझे बर्निंग तो दिखाई दे रही है। जैसा कि आप सीएमसी पे देख सकते हो, ये फिलहाल ही में लिस्ट हुआ था, और अभी देखो इसमें पंप दिखाई दे रहा है। जैसे मार्केट अभी पूरा रिकवर हुआ है तो इसमें भी पंप दिखाई दे रहा है, जो कि 32% का पंप दिखाई दे रहा है दोस्तों। इसमें मैंने पंप और डंप तो कई देखे हैं, ला टोकन पर मैंने जैसे इसको बाय किया तो वहाँ पर इसमें पंप और डंप तो काफ़ी देखने को मिल रहे हैं, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं होता है, जैसा कि 10 से 20%, 50% के अंदर ये वेरी कर रहा है। लेकिन ये अपनी इनिशियल स्टेज में है दोस्तों, अभी तक इसके प्राइस में काफ़ी ज़्यादा जीरो है, जैसा कि आप देख सकते हैं बहुत ज़्यादा जीरो है, जबकि इसकी सप्लाई काफ़ी कम है। मैं कंपेरिजन करता हूँ इसका सीधा सीधा किसू इनू से दोस्तों। किसू इनू की कम्युनिटी बहुत ज़्यादा है, मानता हूँ मैं इस बात को, लेकिन किसू इनू की जो सप्लाई है वो नियर अबाउट 100 क्वाड्रिलियन है दोस्तों। उसके बावजूद उसकी जो प्राइस है उसमें 7 से 8 जीरो है, और इसकी प्राइस में 10 जीरो दिखाई दे रहे हैं दोस्तों। तो इसमें जो कैपेसिटी है रिटर्न देने की वो 100x 1000x तक भी है, अगर इसमें आगे कुछ होता है तो। और सबसे बड़ी बात जो इसका रिस्क फैक्टर कम कर देता है, इन्होंने अपनी लिक्विडिटी को 3 साल के लिए लॉक किया हुआ है दोस्तों। तो सबसे अच्छी बात मुझे ये लगी, इसके जो टेलीग्राम मेंबर हैं, जो टेलीग्राम ऑफिशियल चैनल हैं, वहाँ पर जब मैंने इनसे डिस्कशन किया तो ये नए एक्सचेंज को एक्सप्लोर कर रहे हैं, वहाँ पर अप्लाई कर रहे हैं, तो फ्यूचर नियर फ्यूचर में ये उन पर लिस्ट होगा, तो इसमें काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टर जब एंट्री लेंगे तो इसमें काफ़ी ज़्यादा मैसिव रिटर्न मिल सकता है दोस्तों। तो इस वीडियो में सिर्फ यही था कि मैं इस टोकन को आपके साथ इंट्रोड्यूस करवाने वाला था। हालांकि मुझे ये बोलना पड़ेगा कि आई एम नॉट अ फाइनेंशियल एडवाइजर, लेकिन फिर भी आप जानते हो कि आपको क्या करना है। आपके मिनिमम अमाउंट जो भी होता है, $2, $5, $10, उस हिसाब से आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, और दोस्तों ये काफ़ी तगड़ा रिटर्न आपको दे सकता है 2022 में। तो ये वीडियो में यही था, अगर इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना। थैंक यू।